सेगांव में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के विराम दिवस पर आज व्यासपीठ से पंडित देवेंद्र शास्त्री ने भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के साथ शिव महापुराण की विस्तार से कथा सुनाई। कथा में तन मन धन से दिए गए सहयोग के लिए सभी का व्यासपीठ से आभार भी माना। इस अवसर पर व्यासपीठ व पंडित श्री शास्त्री जी का पुष्पहारों से पूर्व विधायक विजय सिंह सोलंकी, अनुसूचित जनजाति जिलाध्यक्ष सुभाष पवार, अभि गुप्ता और अन्य अतिथियों ने पुष्पहारों से स्वागत किया। मुकेश पटेल मुख्य जजमान चंपालाल आरसे द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कथा के विराम पर महाआरती के बाद 2.25 क्विंटल मोदक और 21,000 अभिमंत्रित रुद्राक्षों का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। संचालन पप्पू यादव और आभार प्रदर्शन मुकेश पटेल द्वारा माना गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। भगवान ने बना के लेकिन पार्वती मैया मानी नहीं तो सोने का महल एक बना दिया और जिस ब्राह्मण को बुलाया वास्तु करने के लिए मरा दक्षिणा में उसने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।